What's up, everybody? I am Sumit Rastogi and back new video. So आज से मैंने फिर से ब्लॉगिंग चालू कर दिया है। यही पता है कि सुबह सुबह मैं अपने काम में लग जाता हूँ। सो सबसे पहले पानी भर रहा हूँ मैं, जो कि दिखा सकता हूँ आपको। पानी भरा गया है, ये है पीने वाला, ये भी है पीने वाला, एंड ये दो भी है पीने वाला, और ये दो है नहाने वाला। जिसे इसे मम्मी नहाती है और इसे मैं नहाता हूँ। अच्छा लगता है क्योंकि ताज़ा पानी है ना, मम्मी के लिए और ये मेरे लिए। अभी के बज चुके हैं 10, और घड़ी की बात किया जाए तो घड़ी हो गई है बंद, और घड़ी का टाइमिंग दिख रहा है 2 बजे, बट 2 नहीं 10 बज रहा है ना। 10:01 हो चुका है, एंड अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है मैंने, बिकॉज काम घर में बस 2 ही दिन है, आज और कल, फिर उसके बाद छुट्टी छुट्टी रहेगा तो होगा, चलो कोई नहीं, देखा जाएगा। और दाढ़ी का सोच रहा, वो तो इंट्रो के लिए रखा गया था और उतना भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं कुछ दिन में ना, नहीं तो देखता हूँ, आज फ्राइडे है तो सोच रहा हूँ कि दाढ़ी आज हटा दिया जाए, बिकॉज अच्छे से आया नहीं, आधा अधूरा आया है। दाढ़ी आज देखता हूँ, हटा देता हूँ एकदम जीरो, खाली दाढ़ी मूछ में, दाढ़ी जब आएगा तब रखूँगा। चलो अभी ये देकर आते हैं, और इसमें का एक धागा लेने का है, तो चलो जल्दी जाकर आते हैं। एक कलर नहीं मिल रहा इतने सारे कलर में से, मैचिंग कोई खा ही नहीं रहा। कोई मैचिंग, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही आज तो यार, क्या हो क्या गया है, यही तो ब्रेक लग जाता है, चलना यार किक मारना पड़ेगा। भैया चलना यार, चल चल, ये अब काम आ गया, हाथ में दिख रहा है, इसको लैस कहते हैं। सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं ना, आज धागे के पीछे, यस धागे के पीछे इतना घूमा कि क्या ही बता दूँ आपको। तो फाइनली धागा तो मिल गया, बट कितना दौड़ना पड़ा ना, ये अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पहले मैं अंकल के पास गया, उनको बोला कि इसमें का धागा चाहिए, तो अंकल ने बोला कि नहीं, तुझा दूसरी दुकान में, दूसरे दुकान में गया तो वहाँ पे मेरे को 2 धागा मतलब एक जैसा मिला, थोड़ा लाइट और थोड़ा डार्क था, तो अभी कोई नहीं वो भी चलता है। तो वहाँ पे जाकर गया उनके पास, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ले जा दोनों, तो दोनों गया, फिर अंकल के पास चेक कराया। अंकल के पास चेक कराने के बाद फिर मालूम चला एक धागा में मैचिंग आ गया, तो वो गया फिर अंकल के पास, अंकल धागा दे दो दुकान वाले के पास, तो उन्होंने बोला ठीक है जा ले जा। वहाँ से फिर होकर ये अंकल के पास आया, जब तक गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी, तो हुआ कि अब क्या किया जाए, फिर किक मारा, गाड़ी चालू हुई, सेल से तो पता नहीं क्यों नहीं चालू हो रहा है, देखना पड़ेगा, सर्विसिंग नाम की जो चीज़ होती है ना, वो अभी थोड़ा देखना पड़ेगा। सो वहाँ से होकर फिर अब घर आया, अभी घर आया हूँ, तो अब जा रहा हूँ नहाने, खाना खाने, और फिर थोड़ा दिखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। पसीने तो यार बहुत हो रहे, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, सो चलो कोई नहीं। सो बिना दाढ़ी का देख ही सकते हो कैसा दिख रहा हूँ, एकदम अजीब, पर मूछ है तो थोड़ा अच्छा दिख रहा हूँ, बट लुक थोड़ा चेंज हो गया है। और अभी जस्ट चला मैं कॉलेज, दोस्त आ रहा है तो दोस्त के साथ जाऊँगा कॉलेज, चलो चलते हैं। ये लग गई गाड़ी पार्किंग में। तो दोस्तों ये मेरा दोस्त है, दिख रहा है कितना शरीफ है, पहुँचता है नहीं। अब बात ये है कि हम लोग यहाँ पे रोड पे खड़े हैं, भीख मांगने नहीं, बस का इंतजार कर रहे हैं। बस तो आ रही है पर हमारी वाली नहीं आ रही है, दिक्कत ये है। आ गई अरे बस ये रही, आ गई। अभी तो कॉलेज का नामो निशान भी नहीं दिख रहा है, और हमको अभी कितना हूँ 1.5 किलोमीटर है ना, अभी 1.5 किलोमीटर और चलना है। क्या यार क्या दिन है, पीछे भी देखो एकदम खाली जगह है, और हमारा कॉलेज ऐसी जगह पे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, एकदम गांव एरिया में डाल दिया गया हमको, और हम गांव एरिया, बस अभी कितना 2 या 3 महीने बाकी है, तो ये 2 महीने सिर्फ, 2 महीने सिर्फ, 2 महीने बाकी है, अब 2 महीने जो भी है, इसलिए हम रेगुलर आ रहे हैं कॉलेज, और इस कारण से मैं वीडियो बंद कर दिया था कि अब नहीं बनाता हूँ, पर फिर से किसी ने मोटिवेट किया है, बोला है कि नहीं आप वीडियो बनाओ, मैं आपका हमेशा वीडियो देखता हूँ, तो इसलिए मैं फिर से
सही है सही है, चालू कर दिया। कॉलेज आ गए हम दोस्तों, हम लोग कॉलेज आ गए हैं और यहाँ पे बटन फेंका फेंका हो रही है और मेरे दोस्त लोग सब उधर बैठे हुए हैं। सब लोग छूट गए, सिर्फ मैं ओम और शंकु सेकंड यूट्यूबर या टीचर भी आज गायब हो गई है। आज तो हमको बहुत डांट सुनाई। ओके ओके ओके, मैं शंकु मिला इस यूट्यूबर से क्योंकि इन्होंने भी अरे घर पे कितना बज चुका है, 5:05 हम अभी जा रहे हैं घर पे। कितनी गर्मी लग रही है, सचमुच में गर्मी बहुत ज्यादा है। सो बस आ चुकी है हमारी, आई थिंक ये वाली बस हमारी होगी, कोई नहीं तो कहते बस ये हमारी तो कंफर्म है कि अपनी ही बस है ये। चलो सूरत की बस आ गई, बहुत अच्छे टाइम पे आई है। और ये रहा हमारा ओलपार स्टेशन है, सूरत की नहीं है तो हटा दे। सूरत पीछे वाली वो वाली, अच्छा वो वाली है। नहीं रुक जा भाई, बहुत कंफ्यूजन हो चुकी है हमको यहाँ पे। वो भाग गई वो तो, पूछना नहीं कहीं और जा रही है बस, कहीं और जा रही है, सूरत की नहीं है। जल्दी पूछ ब्रो, यार सूरत का बोलना कहाँ कहाँ घुस जाते हैं। क्या हुआ? और जो अभी जस्ट गया वो बस हमारे सामने चली गई और हम पकड़ नहीं पाए। सो हम अब फिर से बस को देखेंगे, बस हमको देखेगी। क्या हुआ, बस आ रही है क्या? ओह बस आई, अभी तो वो आ रही है। बस 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 हो रही है हमारी ब्लू वाली बस, रन 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 भाई, उसको बोलना है भागना जाए, भागो। है बस कहाँ गई? अच्छा वहाँ पीछे खड़ी है। रन 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 रन। मुझे क्यों कुछ गलत सुनाई दे रहा है? दिमाग सुधार अपना। कोई दिख नहीं रहा अपना वाला। मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं और यहाँ हम पार्टी हो रही है। सो अभी का टाइम है ना, ये भाई खुल जा, 5:43 हो रहा है, 5:40 देख सकते हो और अभी बस चालू हुई है। 10 मिनट तक वेट कराया हमको, 10 मिनट तक। ओहो लोग है ना, अभी संकेत संभालेगा, मतलब देखते हैं भाई की एक्सप्रेशन। तो भाई ने बोला ना मैं कुछ करता हूँ, ठीक है ले जा। ले संकु, ले। Hello guys, what's up? तो मैं हूँ the one, Arif Shanku. तो मैं रुको जरा सबर करो, तो मैं अभी बताऊंगा कि हमारा बस का ड्राइवर ऐसा बोल रहा है कि 5:30 वाइब्रेंट कॉलेज की लड़कियां छूटती है। तो मैंने अभी बस दबाई थी, अब फिर से बस चलाऊंगा क्योंकि उसका फायदा होगा टिकट में और हमारा फायदा होगा लड़कियों को देखने में। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ऐसा कुछ बोलेगा संकेत ने, अब देखते हैं संकेत आगे करता क्या है। सो रेडी रहना, वर्मा चैनल ये है भाई जो सो सु 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 तेरी तेरी नीतू है जा ये रहा। यस आपका ही ब्लॉग चैनल है। तो अभी हम वाइब्रेंट के पास पहुंचने ही वाले हैं, तो आगे जाके हम आपको दिखाएंगे हरियालिया। तो ये आपके चैनल का ब्लॉगर बार के बार देख रहा है और गीत सुन रहा है। ओए ओम, ये किसके साथ बात कर रहा है तू? हैं कमेंट से में कमेंट कर रहा है, ऐसा है। तो सॉरी दोस्तों, अभी उस लोग की कॉलेज बंद है तो कोई लड़कियां दिखाई नहीं दी, तो अगली बार मैं आपको हरियाली दिखाऊंगा।
इसी चैनल पे लिखा होगा। अपने एरिया में अपने जगह पे बस स्टैंड पे और हम यहाँ से जाएंगे घर पे। सो आज कैसी है गाड़ी की हालत ब्रो? बहुत ही घटिया, समझ सकता हूँ मैं। कैमरे में कम दिखेगी? दिख रहा है एकदम टिक्टो टिक्टो, जो आंख देख सकता है वही देख सकती है। आगे से दिखा ना कैसा करके रखते हैं ये लोग। अरे रे पूरी मार ली भाई तेरी गाड़ी की। यहाँ पे रखता हूँ तो मेरा फिट होता है, पर साला ये गंदी बहुत करते हैं ये लोग, पानी डाल डाल के गंदी करते हैं। एक और बात, आज सुबह में यहाँ पे आया था धागा लेने, हाँ बिकॉज यहाँ पे लेने आता हूँ धागा, और जस्ट सामने भाई ने खड़ा किया। यहाँ पे हम लोग रोज खड़े करते हैं गाड़ी, हाँ, और यहाँ से हम लोग कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, बस यही बात है। चलो चले घर हम तो गाड़ी संभाल, गाड़ी संभाल, गाड़ी संभाल, चल मिलते हैं मंडे।